ये अपना पॉकेट बिलर ऐप, तो ये है होटल के लिए। वैसे तो अभी इसमें क्या है कि जितने लगे उतने टेबल हम उसमें ऐड करके दे सकते हैं, अपना टेबल वाइज बिल बनेगा टोटल। तो इसमें देखो, अभी ये रहा है फॉर्मेट। यहाँ पे जैसे आइटम का नाम आएगा, प्राइस आएंगी, क्वांटिटी अमाउंट सब आएगा, और QoT भी जाएंगी किचन में। तो ये ऐप की खासियत ऐसी है कि एक एक ऐप को अपन दो प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये देखो, ये दो प्रिंटर है ऊपर, ये दो प्रिंटर। तो ये अपना कोई भी प्रिंटर यूज कर सकते हैं, USB प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं, और ब्लूटूथ वाला भी कर सकते हैं। और दोनों अभी हमने ब्लूटूथ वाले लिए हैं। वैसे वैसे तो अभी ये जो है ये अपना बिल प्रिंटर है मानो, तो QoT इसमें भी निकलेगा और बिल भी निकलेगा। और ये जो अपना अभी सैंपल के लिए हमने QoT प्रिंटर के लिए लिया है ये, तो अभी जो है देखिए, हम प्रिंटर को ऐड करते हैं। तो अभी हम गए प्रिंटर में, और पहले हम ये बिल प्रिंटर को ऐड करते हैं। देखो, तो ये बिल प्रिंटर के ऊपर गए और हमने ये प्रिंटर कनेक्ट कर लिया। तो ये जो अपना है, ये बिल प्रिंटर अभी कनेक्ट हो गया। तो ये आप स्टेटस देखो, बिल प्रिंटर कनेक्टेड आ गया है। अभी QoT प्रिंटर कनेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रिंटर QoT वाला जो है ये किचन में रहेगा। तो अभी ये QoT प्रिंटर हम कनेक्ट करते हैं, तो सीधा QoT जाएगा अपना किचन में। तो अभी ये QoT प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, स्टेटस देख लो एक बार, QoT प्रिंटर कनेक्टेड। ओके, मैंने अभी ये ओके प्रेस कर देता हूँ। अभी ये डायलॉग चला गया अपना, अपने प्रिंटर कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं प्रिंटर कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। दोनों का स्टेटस दिखा रहा ग्रीन, बिल प्रिंटर कनेक्टेड, QoT प्रिंटर कनेक्टेड। अगर QoT प्रिंटर कनेक्ट नहीं करते हैं तो सीधा QoT अपने इसमें ही प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल प्रिंटर पे। तो अभी मैं कोई भी एक टेबल चूज कर लेता हूँ। जैसे कोई भी टेबल पे आके बैठता है कोई भी कस्टमर अपना, तो अभी देखो हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट में, यानी हम वो टेबल पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो जैसे किसी ने चार चपाती डिमांड की, चपाती पे क्लिक किया, चार चपाती डाल दी, ओके ये चपाती आ गया यहाँ पे। अभी और यहाँ पे एक मिक्स वेज की सब्जी ले ली है एक, तो ये अभी इसकी QoT जानी चाहिए, तो इस पे मैंने QoT पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो, अभी QoT प्रिंट हो गया पूरा। अभी ये देखो, उसपे आ गया कि टेबल नंबर आ गया, QoT नंबर आ गया, और बिल नंबर भी आ गया, और उसमें क्या क्या ऐड किया है QoT पे वो भी आ गया अपना। तो अभी इसमें और मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर दिया एक, फाइनली लास्ट में उसने रायता डिमांड कर दिया, तो रायता क्लिक कर दिया। कितने रायता चाहिए थे, तो एक प्लेट रायता उसने कर दिया, तो रायता। तो अभी जब हम QoT सेंड करेंगे तो रायता की QoT चली जाएगी। तो ये है रायता की QoT, ये सीधा किचन में जाएगा डायरेक्टली। और अभी हम फाइनल बिल प्रिंट करते हैं। अभी हमने ये बिल जो है ये प्रिंट कर लिया, तो वो जाएगा अपना सीधा बिल प्रिंटर पे। तभी ये देखो, ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ निकलेगा, ऑटो कटिंग पेपर के साथ। अगर आपका प्रिंटर ऑटो कटिंग सपोर्ट करता हो तो उसका पूरा पेपर कट होके निकलेगा टोटल। तो अभी ये इस पे पूरा डिटेल है इस पे, जैसे लोगो आ गया अपने होटल का, अपने होटल का नाम और होटल के जो भी एड्रेस है वो वगैरह, आपके कॉन्टेक्ट नंबर, और नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह उस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पॉकेट बिलर ऐप से बिल प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसका नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना। प्रिंटर वगैरह लगे तो आप पूरा ऑनलाइन ये नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस है, टोटल आपको टेबल वाइज सब रहेगा। आप जब ऐप क्लोज भी कर देते हो तो डेटा लॉस्ट होने की टेंशन नहीं है, आपके टेबल वाइज डेटा जैसे के तैसे रहेगा। और मेनू में सारे फंक्शन दिए वाले हैं, जैसे सेल, बाकी स्टॉक वगैरह चेक कर सकते हैं, स्टॉक पूरा दिखाई देता है। ऐड प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पूरी फैसिलिटी दी हुई है। अब जब हम पूरा रिपोर्ट हम सेव कर लेते हैं, जैसे मैंने ये पूरा रिपोर्ट सेव कर लिया, तो ये रिपोर्ट सेव होने के बाद टेबल क्लियर हो जाता है। अभी ये भी रिपोर्ट मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद, अपना रिपोर्ट सेव करने के बाद, सेल रिपोर्ट में पूरा रिपोर्ट आ जाता है। देखो, टूडेज रिकॉर्ड फाउंड, यानी आज का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, चलो, और जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।